आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे मेरठ की, जहां पर मेरठ विकास प्राधिकरण ने 10 साल पहले अपने सैकड़ों आवंटियों की जमीन मोटे मुनाफे पर एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे दी थी। वहीं आपको बता दें कि अरदा हवाई पड्डे को लेकर के विस्तार का तो था, और वो मामला अब किस तरीके से विकास प्राधिकरण का एक बड़ा कारनामा सामने आया। एयरपोर्ट अथॉरिटी को आवंटियों की जमीन और एक दशक से यह आवंटी अपना आशियाना पाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। बता दें कि यूपी पावर कारपोरेशन से चीफ इंजीनियर प्रदीप सिंह गोयल ने रिटायर होने से पहले अपने आशियाने का ख्वाब देखा था, और 2011 से मेरठ विकास प्राधिकरण के शताब्दी नगर में हवाई पट्टी इलाके से उन्होंने अपनी पत्नी के नाम जिंदगी भर की जमा पूंजी में इस तरीके से 200 मीटर का एक प्लॉट खरीदा था, लेकिन अब उस पर किस तरीके से आवंटियों से धोखा किया और विकास प्राधिकरण का ये नया कारनामा सामने आया। विडम्बना ये है कि FIR लिखाने के पहले मैं IPS बिश्नोई जी से लगभग 15-20 बार मिला था, और 4 महीने के अथक प्रयास के बाद FIR हुई थी, और 16 महीने के अवधि में भी मैं लगातार लगभग नित्य प्रति थाने जाता था, और वहाँ पर थानाध्यक्ष महोदय और जांच अधिकारी IO जो थे उनसे मिलता था, और लगभग मैं 100 से अधिक बार मिला। 1 महीने में मैं 20 बार जाता था, वहाँ की वीडियो रिकॉर्डिंग थाने की इस बात की गवाह है। ये 23/1/2021 को एक वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें कि ये मुकदमा पंजीकृत किया गया कि उसका जो एक कोई प्लॉट था उसको ले लिया गया, और उसके बाद उसका कोई मुआवजा या इस तरह का नहीं देगा। उसमें मुकदमा 406-420 में दर्ज है, और उसमें विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। मेरठ विकास प्राधिकरण के भ्रष्टाचारी अफसरों की कथाओं की फेरिस्त पंचतंत्र की कहानियों से भी ज्यादा लंबी है। जनवरी 2021 में पुलिस ने भी इस मामले में केस दर्ज कर लिया, लेकिन 16 महीने बाद केस की हालत 100 दिन चले 250 जैसी है। नौकरशाही से लेकर पुलिस विभाग तक कोई भी गोयल दंपति को इंसाफ देने के मूड में नहीं दिखता। रिटायरमेंट के बाद एक आशियाने का सपना देखने वाले बुजुर्गों के लिए इससे बड़ी विडंबना भला क्या होगी। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।